दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब लड़के और लड़कियां टीनेज में आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा शौक होता है कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी ब्यूटी वो एकदम बेहतर बने दोस्तों। लेकिन जब उनको पिंपल्स होते हैं तो वो पिंपल्स उनकी पर्सनालिटी पे एक दाग के समान होते हैं। और जब लड़के लड़कियों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग उससे बहुत ही ज्यादा डिस्करेज होते हैं। तो स्पेशली आज का ये टॉपिक हमारा जो है वो टीनेजर्स के लिए है। और आज के हमारा टॉपिक है पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स को हम एक्ने कहते हैं, जिसे हम संस्कृत में यौवन पीड़िका कहते हैं। यौवन पीड़िका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जवानी में होता है, टीनेज में होता है और ये पेन करता है, इसलिए इसको यौवन पीड़िका कहा जाता है। उसके अलावा आयुर्वेद में इसको मुख दूषिका नाम से भी जाना जाता है। मुख दूषिका इसलिए क्योंकि ये चेहरे की सुंदरता को दूषित कर देता है, इसलिए इसको मुख दूषिका कहा जाता है। कहीं कहीं ग्रंथों में इसको पद्मिनी कंटक के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी कंटक इसके लिए क्योंकि कुछ पिंपल्स जो है उसमें कांटे जैसे उभार आ जाते हैं। दोस्तों, टीनेजर्स को जब ये रोग होता है तो ज्यादातर टीनेजर्स जो है वो जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो देखकर उसमें से लोशंस या कुछ सोप या ऑइंटमेंट या हर्बल पैक्स वगैरह लेके आके उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारा लोकल स्किन का प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। तो आज हम यहाँ पे एक्ने के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे कि ये रोग होने के क्या कारण है, और आयुर्वेद के मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक नुस्खे और आयुर्वेदिक औषधियां बताने वाला हूं कि जिसके माध्यम से आप अपने एक्ने को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं एक्ने के बारे में। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। मॉडर्न साइंस के अनुसार हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसके नीचे जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं उसमें जो सीबम, एक तैली पदार्थ का स्त्राव होता रहता है, तो वो जो सीबम का ओवर प्रोडक्शन होता है वो हेयर फॉलिकल्स में भर जाता है और वहां पे डेड स्किन जमा होने की वजह से वो पिंपल्स के स्वरूप में बाहर आता है, ऐसा मॉडर्न साइंस के अनुसार माना जाता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार पिंपल्स के अफेक्टेड पार्ट, मतलब कौन से एरिया में पिंपल्स ज्यादा होते हैं वो देखते हैं। पिंपल्स के अफेक्टेड पार्ट्स ज्यादातर हमारा फेस, नेक, हमारा जो चेस्ट पार्ट है और हमारा बैक, ये मोस्ट अफेक्टेड पार्ट माने जाते हैं। अब दोस्तों, पिंपल्स के बारे में कुछ और बात करते हैं। ज्यादातर पिंपल्स आपको पता है ये रेडिश स्किन इरप्शन होते हैं, लाल कलर के चकते होते हैं स्किन के ऊपर जो चेहरे पे, नेक पे, छाती पे या बैक पे होते हैं। इसमें कभी कभी नॉन इचिंग, नॉन बर्निंग और नॉन पेनफुल होते हैं, समटाइम्स पेनफुल भी होते हैं, और कभी कभी इनके अंदर जो है वो पस भी फील हो जाता है, पस से भरे हुए होते हैं। और जो ज्यादा पस से भरे हुए पिंपल्स होते हैं तो उसकी वजह से कुछ केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर भी आता है। कुछ पिंपल्स हमारे डे बाय डे ओपीडी में हमने ऐसे भी देखे हैं जो सिस्ट के स्वरूप में, गांठ के स्वरूप में भी हो जाते हैं। और कुछ लड़के लड़कियों को ऐसी आदत होती है कि जो फ्री टाइम में बैठे बैठे एक या दो पिंपल्स होते हैं तो उसको अपने नाखून से ऐसे तोड़ते रहते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और पूरे चेहरे पे इन्फेक्शन भी फैल सकता है। ज्यादातर पिंपल्स जो है वो दो कारणों से होते हुए देखे जाते हैं, एक ब्लड की इम्प्योरिटी की वजह से और दूसरा हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से। अब दोस्तों, आइए देखते हैं पिंपल होने के क्या क्या कारण है। पिंपल होने का सबसे पहला कारण हम सब लोगों को पता है, आजकल की जो फास्ट फूड की लाइफस्टाइल है उसमें जंक फूड और फ्राई फूड का बहुत ज्यादा खाना। जंक फूड और फ्राई फूड को बहुत ज्यादा खाने से आयुर्वेद के अनुसार बॉडी में कफ और पित्त की वृद्धि होती है और टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते हैं, उससे हमारा रक्त ब्लड दूषित होता है और पिंपल्स जो है वो उभरने लगते हैं। उसके अलावा जो लोग बहुत रात तक, देर रात तक जागते हैं वो भी एक कारण है। उसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रेस, मानसिक तनाव, एंग्जाइटी ज्यादा रहता है, अब वो स्ट्रेस कोई भी टाइप का हो, ज्यादातर पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, जो भी स्ट्रेस होता है स्ट्रेस की वजह से एक्ने जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होता है, जिनकी पाचन की क्रिया इम्बैलेंस होती है तो उससे क्या होता है, खाया हुआ खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड में से अनवांटेड टॉक्सिन्स यानी कि आम जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है, वो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी में पैदा होते हैं और उसमें से एक्ने का निर्माण होता है।
उसके अलावा बहुत ज्यादा जो लड़कियां कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे पे, उनको भी एक्ने होने के चांसेस अदर के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत ज्यादा नॉन वेज का यानी कि मीट, चिकन, मटन, एग्स का बहुत ज्यादा इंटेक करने की वजह से भी जो है वो एक्ने ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीसीओडी जैसी कंडीशंस जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने निकल आते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी एक्ने का ग्रोथ बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा एक्ने हो जाते हैं, और पूरा चेहरा या पूरी बॉडी, पूरा फेस, पूरा चेहरा जो है वो पिंपल से भर जाता है। अब दोस्तों देखते हैं, अगर आपको एक्ने है तो मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। इन टिप्स को आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही असरकारक और बहुत ही फायदेमंद टिप्स हैं। सबसे पहला, अगर जिन लोगों को एक्ने की तकलीफ है तो उन लोगों को दिन में 5 से 6 बार अपना चेहरा जो है वो गर्म गुनगुने पानी से धोना है, अपना टॉवेल अलग से रखना है, दूसरे लोगों से उस टॉवेल को शेयर नहीं करना है। अब एक टिप बताता हूं आपको क्या करना है। हल्दी का पाउडर 1 चम्मच लेना है, उसके साथ रक्त चंदन का पाउडर 1 चम्मच मिक्स करना है, उसको अच्छे से गुलाब जल के अंदर में रोज वाटर में पेस्ट बनाना है और उसको अपने चेहरे पे अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई करना है। पेस्ट का जो लोशन आपने लेप चेहरे पे अप्लाई किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए उससे पहले उसको हमको गर्म गुनगुने पानी से धो देना है। इस प्रयोग को आप कम से कम 15 दिन तक करें, आपको बहुत फायदाकारक रिजल्ट दिखने मिलेंगे। उसके अलावा एक और रेमेडी के बारे में आपको बताता हूँ। नीम के पत्ते आपको तोड़ के लाने हैं, नीम के पत्तों की आपको पेस्ट करनी है, उसके साथ हल्दी का पाउडर मिक्स करके उसको आपको अफेक्टेड पार्ट पे लोकली लगाना है, और वो जो मिक्सचर आपने बनाया है उसमें से 1 चम्मच लेके आपको रोज सुबह इंटरनली खाना है, उसके ऊपर गर्म पानी पी लेना है। इसको आप 15 से 20 दिन तक फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब एक और फ्रूट की टिप्स मैं आपको बताता हूँ। गुआवा, मैंगो और अनार, ये तीनों के जो पत्ते होते हैं उसकी भी आप अच्छी पेस्ट बनाइए, एकदम प्रॉपर फाइन पेस्ट करिए, और उसको भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये सारे जो आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ ये डे बाय डे प्रैक्टिस में यूज करके इम्प्लीमेंट करवा के रिजल्ट लिए हुए टिप्स हैं, तो इसको जरूर से आप यूज करिएगा दोस्तों। अच्छा, ये जो मैंने आपको गुआवा, मैंगो और पोमोग्रेनेट यानी कि अनार के पत्तों का पेस्ट बताया वो ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा, उसके अलावा एक और आपको टिप्स बताता हूँ। आपको क्या करना है, गुलाब की पत्तियों का पेस्ट बना के उसके साथ हल्दी को मिक्स करके उसको अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई करना है, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और एक आखिरी टिप आपको बताता हूँ कि जो नींबू होता है उसकी जो बाहर की स्किन है उसको निकाल के, उसको सुखा के, उसको जला के उसकी राख कर देना है, और उसकी राख को बटर मिल्क यानी छाछ के साथ मिक्स करके अफेक्टेड पार्ट पे लगाने से भी कम से कम 15 से 20 दिन लगाने से बहुत ही फायदाकारक रिजल्ट देखे जाते हैं। अब दोस्तों बता देता हूं मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। दोस्तों मेरी 8 साल की प्रैक्टिस में जो औषधियों का इस्तेमाल करके मैंने अपने पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, आइए उन औषधियों के बारे में जानते हैं। अगर आपको एक्ने की तकलीफ है तो आप दवाई का नाम लिख सकते हैं, त्रिफला गुगल नाम की जो टेबलेट है उसको सुबह, दोपहर, शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद चबा के लेनी है। अगर एक्ने की तकलीफ ज्यादा है तो पहले 15 दिन तक आप 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, उसके बाद एक एक गोली सुबह शाम अगले 15 दिन तक। उसके अलावा दूसरी एक औषधि का नाम बताता हूँ, ये एक लिक्विड फॉर्म में औषधि है जिसका नाम है उशीरासव। ये उशीरासव 15-15 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म गुनगुने पानी में मिक्स करके आपको कम से कम 1 महीने तक लेना है। दोस्तों ये 2 औषधियों का आप इंटरनली सेवन करें, आपके एक्ने की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों को एक्ने की तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है जो औषधियों से या दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, वो लोग अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर या तो हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने रोग के बारे में चर्चा करके भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब आप पंचकर्म ट्रीटमेंट के माध्यम से भी अपनी एक्ने की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। पंचकर्म में वमन और विरेचन नाम की जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें क्रम अनुसार पहले उल्टी और फिर मोशन करवा के पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है,
जाता है उसके द्वारा भी आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। उसके अलावा पंचकर्मों में बताई गई जलों का चिकित्सा जिसे हम लीच एप्लीकेशन कहते हैं, ये लीच एप्लीकेशन थेरापी पिंपल्स में बहुत ज्यादा फायदाकारक ट्रीटमेंट है। मैं अपने क्लिनिक में जो एक्ने के पेशेंट आते हैं जिनको इन्फेक्टिव या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे एक्ने डेवलप हो चुके हैं या जिनको सिस्टिक ग्रोथ हो गया है एक्ने में, उन लोगों को जलों का ट्रीटमेंट यानी कि लीच एप्लीकेशन ट्रीटमेंट के द्वारा हम एक्ने में ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने अपना लीच एप्लीकेशन का वीडियो अपने डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा चैनल पे अपलोड किया हुआ है दोस्तों, जिसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वो लिंक पे जाकर जरूर देखिएगा कि एक पेशेंट हमने बताया जिसको लीच एप्लीकेशन के माध्यम से एक्ने बिल्कुल ठीक हो गया था सिर्फ एक या दो सिटिंग में, तो उसको आप जरूर देखिए। और लीच एप्लीकेशन एक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है एक्ने के लिए। अब आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको एक्ने है तो आपको क्या करना है। दोस्तों अगर आपको एक्ने की तकलीफ है तो आपको दिन में थोड़ी थोड़ी देर पे या दिन में कम से कम 2 से 3 बार गर्म गुनगुने पानी का सेवन करना है। आपको ऐसा खाना खाना है जो आपको इजीली पच जाए, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, मतलब कि बहुत हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना है। सब्जी रोटी दाल राइस जैसा इजी डाइजेस्ट होने वाला खाना खाना है। अपने खाने में सैलेड्स में आप कैरेट और क्यूकुम्बर का सेवन जरूर से करें। फ्रूट्स में आप गुआवा, एप्पल और पेयर का सेवन जरूर से करें। आप 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। प्राणायाम एक एंटी स्ट्रेस थेरापी है। प्राणायाम आप रोज करें कम से कम 10 से 15 मिनट और ब्राइट सनलाइट में जाके कम से कम 10-15 मिनट आप घूमें। और क्या नहीं करना है वो आपको दिखाते हैं। आपको जंक फूड और फ्राई फूड और बहुत ज्यादा मिर्ची वाला खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। दोस्तों आपको अपने आप को बहुत हैवी सनलाइट में बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करना है। और खास एक बात, अगर आपको एक्ने है तो उसको अपने नाखून से, अपनी उंगलियों से तोड़ना नहीं है, उसको फोड़ना नहीं है। उसकी वजह से आपका चेहरा खराब हो जाएगा, आपके चेहरे में गड्ढे पड़ जाएंगे और उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता जाएगा और पूरे चेहरे पे एक्ने आ जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं अब आपको कुछ ऐसे हमारे पेशेंट्स के फोटोज दिखाऊंगा कि जिन लोगों ने हमारी ट्रीटमेंट करके अपने एक्ने को ठीक किया है। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पर इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। आपकी कमेंट से हमें बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है। दोस्तों हमें रेगुलर वॉच करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।